हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि एक इंस्टेंट गीजर कितना एफिशिएंट होता है, ये पानी को कितना जल्दी गर्म करता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। चलिए जानते हैं भाई, आजा। दोस्तों इस सर्दियों के मौसम में अगर हम लोग टैप ओपन करते हैं और हमें गर्मा गर्म पानी मिल रहा हो तो मजा आ जाए ना। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेके आऊँ, ये है एक इंस्टेंट वाटर हीटर फॉसेट, जिसको आप अपने टैप में लगा के तुरंत ही अराउंड 1 सेकेंड के अंदर गर्मा गर्म पानी ले सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। यह है बॉक्स जिसमें यह फॉसेट आती है। कैसे यह फॉसेट है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक इंस्टेंट वाटर हीटर फॉसेट है। QR कोड है यहां पर, आप इसके कुछ फीचर्स पढ़ सकते हो। मॉडल है HD JRS LT01। ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलती है। 3000 वाट की ये फॉसेट है और साथ में ये IPX4 सर्टिफाइड है। 0 MPa, अभी क्या है पता नहीं। तो ये है बॉक्स जिसमें ये फॉसेट आती है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। एक मैनुअल है, चाउ चिंची चिं चुं ची, ये कुछ इस टाइप का मैनुअल है। समझ में आए तो बता देना, मेरे को तो नहीं आया। आगे बॉक्स में साबुन नहीं, पोर्टेबल रेजिडुअल करंट डिवाइस PRCD ये मिल जाएगी। मेन फॉसेट है। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी भारी है। टैप दमदार होनी चाहिए नहीं तो बैठ जाए। ये है मेन फॉसेट और साथ में कुछ एसेसरीज भी हैं ताकि आप इसको अपने टैप में लगा सको। तो क्या क्या एसेसरीज हैं आप देख लीजिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जब लगाएंगे और जिनकी ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। चलिए फॉसेट को देख लेते हैं। फॉसेट खुल जा भाई। तो भाई साहब बहुत बांध रखा है इन्होंने, क्या बांध रखा है। ये क्या है भाई, ये क्या है, इससे तो बांधते थे, एक्स्ट्रा बांधने के लिए दे दिया। अच्छा वायर को टैग करने के लिए, वाह, मतलब कि दिमाग तो काफ़ी है इन लोगों में। तो ये है कुछ फॉसेट देख लीजिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि टेम्परेचर बताएगी, यहाँ पर गर्म और यहाँ पर ठंडा पानी आएगा। ये नोब है जिसको एडजस्ट करके आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। ये इनपुट हो गया और यहाँ पर आउटपुट है और ये कुछ खोलेगा नहीं खोलेगा। तो कुछ इस टाइप की ये फॉसेट है। यहाँ पर भी सेम थिंग है, 3000 वाट की HD JRS LT01 मॉडल, 220 50 हर्ट्स, IPX4 और 0 MPa। अभी MPa क्या होता है मैं तो प्रेशर समझ रहा था, अब कुछ होगा समझा देना मुझे भी। तो ये कुछ फॉसेट इस टाइप की है। चलिए इसको लगा के देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये है क्या। एक चीज़ और साथ में आ रखी है, ये क्या है इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। ये एक PRCD है, पोर्टेबल रेजिडुअल करंट डिवाइस। इसके बारे में मैं आपको अपनी किसी आगे आने वाली वीडियो में इन डिटेल में बताऊंगा, बट अभी तक के लिए ये है कि अगर ये डिवाइस लगी है तो आपको बिजली का झटका मारेगा नहीं। झटका तो लगेगा बट आप मरोगे नहीं। सेटअप रेडी है, PRCD लगी है। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। या ट्रिप कर रही है, मतलब कि झटका हमें मारेगा नहीं, या वर्क कर रही है। तो PRCD को मैंने लगा दिया है, केबल अटैच हो चुकी है और यहाँ पर यह है मेन गीजर। इसको टैप पर मैंने कुछ स्टेप से फिट किया है। ये इसकी नोब होगी और अगर मैं टैप को ऑन कर दूँ तो तुरंत ये जो गीज़र है ये ऑन हो जाएगा। इस समय 51 के करीबन पानी का टेम्परेचर है। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था, शायद गर्म पानी रह गया हो। यहाँ इस टैप से ठंडा पानी आता है, अगर ये जो लीवर है ये नीचे की साइड को, और अगर मैं ऊपर की साइड को करूँ तो पानी दूसरी टैप से आएगा और यहाँ पर गर्म पानी मिलेगा। इस समय 53 डिग्री सेल्सियस के करीबन पानी है, काफ़ी गर्म है, हाथ तो नहीं लगाना चाहिए। और मैं दोस्तों अगर इस नॉब को घुमाता हूँ तो बिल्कुल सेंटर पर जाके जो स्विचिंग है वो हो जाती है टूवर्ड्स द कोल्ड वाटर, और अगर मैं ऊपर को ले जाऊँ तो गर्म पानी, और अगर मैं टैप को बंद कर दूँ तो ये जो गीज़र है ये बंद हो जाता है, ना ही पानी आता है ना ही ये ऑन होता है। ये ऑटोमेटिक गीज़र है, अगर आप टैप को ऑन करते हो तभी ये ऑन होता है, अगर आप टैप को ऑन नहीं करते हो तो ये ऑन भी नहीं होता है। मतलब कि प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी दी है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर ये दिखा रहा है क्या सच में उतनी डिग्री में हमें पानी भी मिल रहा है।
तो इस समय 41 दिखा रहा है और मेरा जो थर्मोकपल है वो 40.4 डिग्री तक दिखा रहा है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। और अब मैंने दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा दिया है और आप देख सकते हो टेम्परेचर पानी का 54-53 के करीबन हो रहा है और मेरे को ये मीटर भी 54 के करीबन ही बता रहा है, 54.6। चलिए आप देखते हैं कि ये गीजर कितनी पावर कंज्यूम करता है। इसको मॉनिटर करने के लिए मैं अपने इस एसटीसी के पावर मीटर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये नॉर्मल स्टैंड बाई मोड में 0.4 वाट के करीबन एनर्जी कंज्यूम करता है और अगर मैं इसको ऑन कर दूँ 3240 वाट कंज्यूम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करता है। मेरा पावर मीटर भी वार्निंग दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वाटेज जारी है। डेफिनेटली बिजली का बिल तो काफ़ी बढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि कितना ये कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मैं 15 लीटर की इस बाल्टी को भरने जा रहा हूँ। ठंड का मौसम है, पानी ठंडा है, अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस इस समय पानी का टेम्परेचर है। मैं दोस्तों इस पानी को गर्म करने जा रहा हूँ एट 42-43 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि दोस्तों दैट पानी इज सफिशेंट गर्म लगेगा मुझे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने मीटर को रीसेट कर दिया है। इस समय 3400 वाट के करीबन ये पावर कंज्यूम कर रहा है और इसका पावर फैक्टर 1 का है। वोल्टेज 232 वोल्ट, करंट 14.5 एम्पियर, टाइमर स्टार्ट हो गया है और किलो वाट आवर भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि कितना समय लगता है इस 15 लीटर्स की बाल्टी को भरने में और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, कितना बिजली का बिल आता है। तो लगभग पानी की बाल्टी अब भरने वाली है और आई थिंक कि ये भर गई है। इस समय देखा जाए तो सेम 14.5 एम्पियर जा रहे हैं, 230 की करीबन वोल्टेज है, अराउंड 3300-3400 के बीच में ये वाटेज कंज्यूम कर रहा है। आई थिंक ये बाल्टी भर गई है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। 8 मिनट्स और 30 सेकंड लगे हैं इस पानी की बाल्टी को भरने में और इस समय सब कुछ बंद, 0.4 वाट स्टैंड बाई मोड पर, 238 वोल्ट हो गए समय और कुल मिला के 0.47 किलो वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है इसको गर्म करने में, मतलब कि आधा वाट। आप इस डाटा से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बिजली का बिल कितना आने वाला है 15 लीटर पानी की बाल्टी को गर्म करने में फ्रॉम 21-22 to 42-43 डिग्री सेल्सियस तक। इसने कंज्यूम किए हैं अराउंड 0.47 किलो वाट आवर, मतलब कि लगभग आधा यूनिट। मेरे यहाँ जो बिजली है वो अराउंड 8-7 रुपये पर किलो वाट आवर की है, तो डेफिनेटली 3.5-4 रुपये मुझे लगे हैं इस बाल्टी के पानी को गर्म करने में। जबकि अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 15 लीटर पानी को गर्म करने में फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एट 100% एफिशिएंसी 0.35 किलो वाट आवर की एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि हमारे केस में हमें लगे हैं 0.47 किलो वाट आवर की एनर्जी। मतलब कि ये जो गीजर है ये 74.5% एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया एफिशिएंसी है। मैंने दोस्तों इससे पहले भी काफ़ी सारे गीजर्स को टेस्ट किया है, वहाँ पर मुझे 30%, 50%, 60%, 65% तक की एफिशिएंसी मिली थी, बट एज कम्पेयर टू ऑल दैट गीजर्स ये गीजर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, लुक, पोर्टेबिलिटी, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट है कि आपको तुरंत गर्म पानी चाहिए तो आप भी इस टाइप के इंस्टेंट गीजर मंगवा सकते हो, या आपको विद इन 1 सेकेंड पानी गर्म करके दे देंगे। जबकि अगर आप स्टोरेज टैंक वाला लेते हो तो इन दैट केस आपको 20 सेकेंड तक लग सकते हैं टू गेट हॉट वाटर, अगर टैंक की कैपेसिटी 3-5 लीटर के बीच में हो। अगर ज़्यादा है 15-20-25 तो 2-5-10 मिनट तक लग सकते हैं टू गेट हॉट वाटर। तो अगर आपको तुरंत गर्मा गर्म पानी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो आप इस टाइप के इंस्टेंट गीजर को ले सकते हो। खूब सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, आप किसी को भी ले लीजिए, बस शर्त यही है कि एफिशिएंसी बढ़िया होनी चाहिए। 30%, 40% के भी लोकली मिल जाते हैं, वो पानी गर्म तो कर देंगे बट आपके बिजली का बिल काफ़ी बढ़ाएंगे और उनका जो हीटिंग एलिमेंट है वो तुरंत खराब उड़ गया। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, बिजली के बिल को बचाना है, तो आपको किसी बढ़िया ब्रांड जैसे कि हैवल्स, फिलिप्स,
इस टाइप की साइट को ही जाना होगा, और एक बार एफिशिएंसी भी जरूर देख लें। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस वीडियो को लेके, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो होप डैट कि कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पर सीखे होंगे, सीखे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ उसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाले जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, बाय बाय। चलो आज नहा ही लेते हैं, लगभग महीना हो गया शायद नहाए हुए।